इनकी मदद करती आ रही हूँ चाहे वो छोटे बच्चियाँ क्यों ना हो उनकी वजह से जैसे छोटे बच्चियों को पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती और उनको घरों में काम कराया जाता है और उनको ख़ास कर से जो है उन बच्चियों को जिंदगियां जो है बेकार कर देते हैं यानी कि उनको कोई भी फ्यूचर में जीने के लिए कोई उनके लिए रास्ता नहीं होता है और कभी कभी हमारे जो स्टेज है हमारे जो विलेजेस हैं उसमें बहुत छोटी उम्र के बच्चियों को शादी भी कर देती हैं कभी ज़िंदगी में उनके लिए हालात ख़राब आती हैं तो वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ना पढ़ी लिखी होती है ना कहीं पर उनको काम मिलता है उसके बाद तो वो रोती ही ज़िंदगी गुजारती है ऐसी चीज़ें मैंने देखा था तो सबसे पहले मैंने उन बच्चियों के तबके के लिए काम किया कि जो बच्चियों को इस तरह अपने वालदी रख देते हैं तो फिर मैंने उन वालदान को समझाया और उन वाल को इनको पढ़ाने के लिए इनक्रेज़ किया और उनको घर घर जाके बताया मैंने और छोटे छोटे विलेजेस में मैंने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम के ज़रिए बताया कि बेटा बेटी दोनों भी एक होते हैं और बेटे को भी पढ़ाना है तो बेटी को भी तुम पढ़ाना है तो कुछ लोग जो है उस बात में खुश होकर वो ख़ुद से पढ़ाने लग गए फिर उसके बाद मैंने ख़ुद स्कूल कॉलेज स्टार्ट करके उन बच्चियों को लाकर जो है मैंने पढ़ाई स्टार्ट की वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ सबसे पहले कि फिर वो बच्चों को बच्चियों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा और लोग क्या है उसमें जमा होते चले गए और बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ कर और उन्होंने तकरीबन थोड़ा उनो बेसिक तालीम हासिल कर लें और उसके बाद उन्हों कंप्यूटर ना ज भी उनको आ गया और छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज भी वो कर लिए तो कम से कम छोटी मोटी जॉब उनको मिल जाती है वो अपनी ज़िंदगी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते कल चल कर कोई छोटी भी सैलरी उनको मिल जाती है तो उसके साथ जो है उन्होंने जिंदगी ये करते थे उसके बाद मैंने बहुत सारे लेडीज़ को बहुत सारे जो ख़वातीन हैं उन ख़वातीन को मैंने जमा किया जो कि बिल्कुल इस तरह मजबूर हो जाते थे कि अब हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते अब हमारा हाल ही ये है कि हमेशा बहुत सारी औरतें आते थे जब मैंने एक काम स्टार्ट किया कि मैं औरतों की मदद करूंगी आप मेरे पास हो मैं बताऊँगी वग़ैरह सब कुछ क्योंकि मैंने भी कुछ हालात को बहुत सारे फ़ेस किया था उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया सब कुछ भी तो फिर वो औरतें आके बताते कि मैडम हमको जो है कभी कुछ सौ रुपयों की भी जरूरत हो जाती है या तो वो हमारे हस्बैंड से मांगना पड़ता है या तो हमारे बाप से मांगना पड़ता है जबकि वो लोग जो है उससे बेजार भी हो जाते हैं कभी कभी देते भी नहीं और कभी कभी उसकी वजह से बहुत गालियाँ भी सुनना पड़ता है और हमको वो चीज़ें पूरे बड़े तकलीफ देती है तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना और उनको सिखाना कि किस तरह से वो एक तिजारत भी कर सकती हैं वो कैसी हुनर कर सकती हैं अगर वो बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी भी नहीं है तो वो कैसे काम कर सकती हैं तो फिर वो तिजारत में हिस्सा लेने लगी और वो सीखने लगी आज अल्हम्दुलिल्लाह इस देश के काफ़ी काफ़ी औरतें जो है इससे मुस्तफ़ होके काफ़ी फ़ायदा उठा चुके उसके बाद हमारे सामने काफ़ी चीज़ें काफ़ी चीज़ें आने लगे कि कभी कुछ केस हो जाता है कभी कुछ मामले हो जाते हैं मिसाली तौर पे एक लड़की को जान से मार दिए अभी उस लड़की को जान से मार दिए जब हम जाके पुलिस के पास रिपोर्ट करते हैं कि ये लड़की को जान से मार दिया गया है और ये लड़की को जो है सिर्फ डोरी के जुर्म में जो है जान से मार दिया गया क्योंकि वो एक साल से सताते थे दो साल से सताते थे हम पुलिस के पास पहुँचने से भी पहले उनको फ़ोन चले जाता था और पैसे भी चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो लड़की ने तो ऐसे मर गया वो पागल थी इस ऐसे कई एक नहीं बल्कि कई चीजों को हमने देखा है कि वो जो मुजरिम बिल्कुल बिल्कुल जिसम के ऊपर के के सत्तर से ज्यादा मार है जो पूरे घर वाले पकड़ के मारे मगर किसी को उसकी फिक्र नहीं है खास कर से तो ये चीजें देखते 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 आए हैं तो फिर हम उमेन्स के ग्रुप में ये मीटिंग डिस्कस हुए ये कहाँ से चलता है ये ये सिर्फ पॉलिटिक्स से चलता है, कहां से होता है? से होता है। किसी को फोन को, को तो भी बेचारे दब जाते हैं और वो चीज को बिल्कुल से बिल्कुल दबा देते हैं ले जाके उसको दफन कर देते हैं तो उसका हमको लगता है कि मेरे सामने ऐसे काफी मेरे बुक में ऐसे काफी केसेस हैं जिनको बिल्कुल से बिल्कुल जो है इंसाफ नहीं मिल सकी उनकी माँ रोती फिर रही है उनके बाप रोते फिर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं अब वो हेवी हेवी लायर्स को नहीं रख सकते फिर उसके बाद मैंने वुमेन्स हेल्पलाइन स्टार्ट किया वुमेन्स हेल्पलाइन स्टार्ट करके फिर लीगल लायर्स को जो है इंडिया के एवरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने लीगल लायर्स को अपॉइंट किया फिर मैंने जो भी ऐसे केसेस आते थे उनकी फ़ीस पे करके जो भी हो सकता था तो उनको वो काम किया तो फिर दो तीन साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इरादा आ गया कि नहीं अब हम खातन को भी जो है पॉलिटिक्स में जाना बहुत ज़रूरी है अगर वही एक औरत होती उस औरत के पास जाकर अगर कोई औरत रोती कि मेरी बच्ची को मार दिया गया है तो उसको समझ में आता वो कभी काल नहीं करती कि उस मुजरिम को बचाने के लिए क्योंकि वो औरत होती है उसके दिल को दर्द होता है और उसको पता होता है एक औरत की तकलीफ़ क्या होती है ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैंने महसूस किया है किसी को डोरी पर मार देना किसी को बच्ची को जो है पेट में मारने के लिए जुल्म करना उसके घर वाले पूरे जबकि वो नहीं चाहती है तो उसको कहना कि नहीं अब लड़की गर्भ में है उसको तो निकाल गी तो हमारे घर में मेरी बीवी बनके रहेगी और तू मेरी फलाम बनके रहेगी और वो सिर्फ एक मजहब वाले लोग नहीं बल्कि ये बच्चियों का मारना पूरे मजहब वालों के अंदर कि बेटी अगर कहते हैं बेटी अगर पैदा हो जाती है तो चेहरे से पानी पूरा उतर जाता है उनका मगर उनको नहीं मालूम कि वो बेटी अगर पैदा होगी बड़ी होगी हो सकता है वो हज़ारों के लोगों को रोज़ी देने वाली बन सकती है हज़ारों के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली बन सकती है हज़ारों लोगों के लोगों को वो कुछ भी करने वाली बन सकती है ऐसे काफ़ी चीज़ें जो है मेरे लाइफ में मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि ऐसी औरतों को मैंने देखा है और मैंने वो बच्चियों को भी मैंने देखा है कि वो बच्चियाँ जो आकर मुझे खांदे पे सर रख के रोती हैं कि मैडम हमको जो है ऐसी तकलीफ़ है मैं बोली बेटे क्या तकलीफ़ है क्या बात है क्या तकलीफ़ है तुमको तो वो कहते हैं कि हमारा बाप हमको हरास कर रहा है घर में जब हमारी माँ जाप को जाती है तो हमारा बाप हमको जो है बुराई करने के ऊपर मजबूर करता है तो आप बताइए कि जो बाप बेटी को साथ देना है जो बाप बेटी को सपोर्ट करना है जिस बाप को बेटी अपना प्रोटेक्शन मानती है अपना प्रोटेक्टर मानती है हर मज़हब में हर किताब में लिखा गया है कि बाप उसके लिए सब कुछ होता है तो वो बेटी जब बाप के पास भी अगर सेफ नहीं है सब लोग नहीं सौ में से एक कोई गंदा ऐसा इंसान हो सौ में से दो कोई ऐसे गंदे इंसान हो मगर वो पूरे माशरे के लिए जो है एक बहुत बड़ी खौफ की बात हो जाती है कि जो बच्ची को एक माँ अपने बाप के पास भी अगर हिफाजत नहीं समझेगी तो फिर वो कैसे जी पाएगी तो इसलिए कि वो बेटी का दबना इसलिए है कि अगर मैं बाहर जाके के बोलूँगी तो मैं बदनाम हो जाऊँगी बोलूँगी तो भी कहाँ बदनाम फिर मैंने वो वो जैसे केसेस आते थे मैंने उनको सीक्रेटली हैंडल किया कि वो बात बाहर भी नहीं जाएगी और कहीं भी नहीं जाएगी और लायर के थ्रू और सिर्फ पुलिस के हद तक जो है उनको सजा दी जाएगी या उनको बुला के डांटा जाएगा या उनको बुला के जो लोग ज़्यादा नहीं करते बच्ची को नॉर्मली सताते हैं तो उनको बुला के डांट दिया जाएगा या उनको अंदर के पैसे कई कई केसेस जो है मेरे ज़िंदगी में आए अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हमने पूरी औरतों की कमेटी ने बैठकर फ़ाइनल किया और काफ़ी भाई भी हैं इसमें औरतें ही नहीं काफ़ी भाई भी हैं जो साथ देने वाले तो फिर हमने फ़ाइनल किया कि हम जो है एक पार्टी को लॉन्च करते हैं ज़िंदगी में जो भी डैमेजेस देखे हैं जहां भी जाके काम नहीं होता है वो सिर्फ होता है एक पॉलिटिक्स के ज़रिए से और हम जा...